तो जो भी एसस ट्रॉफी 15 के यूजर्स हैं उन्होंने ये वीडियो प्ले किया होगा। एसस ट्रॉफी 15 की बायोस कैसे अपडेट करनी है और इजीएस्ट वे मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में, क्योंकि नया लैपटॉप लेने के बाद कुछ फीचर्स वर्क नहीं करते, कभी यूएसबी पोर्ट में इशू आ रहा है या फिर कभी आपका टाइप सी पोर्ट में कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस हैं या लैपटॉप चलाते हुए भी कोई ग्लिच हो सकता है, तो बायोस अपडेट उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। तो करते हैं बायोस अपडेट, चलता है पीसी की स्क्रीन पर, दिखाता हूं कैसे आपको बायोस अपडेट करनी है। बहुत ईजी वे है, चुटकी बजाते अपडेट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज ये आ गया अपने पीसी की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है Asus TUF A15 BIOS अपडेट। तो यहाँ पे पहले ही नंबर पे आपको Asus.com की वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ड्राइवर्स एंड टूल्स दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू और BIOS मॉडल नेम मांगेगा। तो ये वाले जो ये चार मॉडल्स हैं आप चेक कर सकते हो या तो माई Asus की ऐप में जाके या आपके लैपटॉप के पीछे जो स्टिकर लगा है उसमें आपको मॉडल मिल जाएगा। मेरा जो मॉडल है वो FA506IV है, यहाँ पे आप देख सकते हो माई Asus की ऐप में भी आता है। तो यहाँ पे हमने मॉडल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, ऑब्वियसली विंडोज 10 होगा सबके लैपटॉप में। तो यहाँ पे पहले ही नंबर पे आपको मिलेगा BIOS अपडेट विंडोज, तो यहाँ पे करना है आपको डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके डाउनलोड्स में, आपको करना है इसको इंस्टॉल, बेसिक सी इंस्टॉलेशन है। उसके बाद यहाँ पे आएगा रीस्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप फिनिश दबाओगे तो पीसी आपका हो जाएगा रीस्टार्ट। जैसे आपका पीसी रीस्टार्ट होगा आपने सामने देख सकते हो इंस्टॉलिंग के अपडेट करके लिखा है थोड़ा सा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके BIOS सेटअप में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा BIOS का मेन्यू, यहाँ पे येस और नो दिखा रहा है, तो हम यहाँ येस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी BIOS अपडेट हो जाएगी शुरू। BIOS अपडेट करते हैं, फोर्स शटडाउन नहीं होना चाहिए, चार्जिंग की सप्लाई नहीं बंद होनी चाहिए, मतलब जो आपका लैपटॉप है वो बंद नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपके लैपटॉप डेड होने के चांसेस भी होते हैं। तो BIOS अपडेट के टाइम पे इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो BIOS अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद अपने आप आपका पीसी हो जाता है रीस्टार्ट। तो ये हुई आपके पीसी की BIOS अपडेट। तो गाइस आपने देखा कितना इजी प्रोसीजर था, कोई यूएसबी का यूज नहीं किया हमने, कोई भी हम BIOS सेटअप के अंदर नहीं गए, जो BIOS होता है बूट सेटअप होता है उसके अंदर नहीं गए, जस्ट हमने इंस्टॉल किया एक सॉफ्टवेयर, उसके बाद अपने आप पीसी रीस्टार्ट हुआ और आपकी BIOS होगी इंस्टॉल। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना और कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियो पसंद आई या नहीं, और अगर अच्छी लगी तो अपने A15 वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी फिर मैं नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।